मैंने सोचा था मैं और मेरा परिवार बच जाएंगे। मैंने भी यही सोची थी, और जब उन बहनों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पुकारा था तो मैं अपनी दुनिया में मस्त थी। आज मैं अपनी बीवी से अलग हूँ, मेरे बच्चे किस हाल में है नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किन लोगों के हाथों में है और किस हाल में है। अम्मी आप कहाँ हो? अम्मी डैडी मुझे अपने पास बुला लो, ये लोग मुझे बहुत सताते हैं। इतने साल हो गए हमने आप लोगों को नहीं देखा। अब तो लगता है यही जिंदगी खत्म होने वाली है। यहाँ टॉर्चर करते, मेरी इज्जत आबरू यहाँ महफूज नहीं। जिंदगी इन काले कोठरी में निकल रही है, अब तो शायद अपने बीवी बच्चों को बगैर देखे ही मर जाऊंगा। काश कि हमने सिर्फ अपनी नहीं सोचे होते और यूनिटी के साथ इस लड़ाई को लड़ते। हमने सोचा था हम सेफ है, हम बच जाएंगे, लेकिन आज सभी इस चपेटे में आ गए हैं। सुना है जो बाहर है वो भी कैदखाने जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सुना है उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। डैडी आप कहाँ हो? डैडी मम्मी आप लोग कहाँ है? मम्मी हम लोग को आपके पास रहना है। मम्मी डैडी मम्मी आप लोग आ जाओ प्लीज डैडी, हमें आप लोगों के साथ रहना है। प्लीज डैडी प्लीज। तो दोस्तों ये तो एक सपना था जिसे मैंने आपके सामने रखा, और आपसे शेयर करने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आगाह करना है कि ये सपना कहीं किसी के लिए सच ना हो जाए। जैसे कि दुनिया भर में हम बहुत से जगह ऐसा होते हुए देख रहे हैं, और हमारे यहाँ भी आसाम स्टेट में होना तो वही है जो इंसानों के रब की उस ईश्वर की मर्जी होगी, लेकिन हमें हरकत तो करनी होगी और होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होगा, तो ही जाकर वो खुदा हमारी मदद करेगा। हम आप इतने सारे रैलीज मोर्चे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं जहाँ आए हुए उन आम लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचे तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रोटेस्ट में आए हैं और भीड़ का हिस्सा बनकर लौट गए। आधों ने सुना समझा और बाकी खुश होकर चल दिए कि कुछ तो हो रहा है। भीड़ वजूम देखकर सबके दिलों में उम्मीद की लहर दौड़ती नजर आती है, लेकिन जो असल में होना था कि जमा हुए लोग सुनकर समझकर एक मकसद एक विजन करने के यकसा काम को अपने दिमाग में लेकर लौटते और लौटकर उसी मकसद को डिस्पर्स करते यानी फैलाते, दूसरों को भी उसी पर राजी करते। दूसरी तरफ अब भी ये लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र में NPR जिसे शुरू होने में लगभग 2 ही महीने बचे हैं। सोचने वाली बात ये है कि आम लोगों में अब भी सही तौर पर क्या करना है ये पैगाम नहीं पहुंच पाया। क्या करना है छोड़िए, इन्हें तो मानो इन कानून से होने वाले काले अंधेरे नतीजों को जानना ही नहीं है। हाल देखकर ये लगता है कि कुछ एक लोग प्रोटेस्ट के जरिए समझी हुई रास्ते को अपनाएंगे कि हम नाम नहीं बताएंगे या कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हर इलाके में बस गिने चुने लोग जब ऐसा करेंगे और बाकी बड़ी तादाद या तो डर कर या खुदगर्ज बनकर नाम और कागज दिखा देंगे तो ये गिने चुने लोग बेचारे बनकर रह जाएंगे और अकेले मुश्किलों का सामना करेंगे। इसलिए हमारे लीडरान जमाते अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सारे कम्युनिटीज जा जाकर हर इलाके में लोगों को लेकर बैठे और एक ठोस और कॉन्क्रीट डिसीजन ले, और सभी लोग मिलकर वो क्या एक ही काम सबको करना है उस पर अहद ले। ऐसे में ख्याल रखे कि उन लोगों को दूर रखे जो खुद को तो सेफ समझते हैं लेकिन लोगों को भड़का रहे हैं। सो अगर सभी ने या 100 में से 90% लोगों ने यकसा किया तो ही इससे निजात पा सकेंगे, वरना इक्के दुक्के बिला वजह परेशानी में आ जाएंगे। हालांकि परेशानियों का सामना तो उन्हें भी करना होगा जो सिर्फ खुद की सोच रहे हैं या खुद को सेफ समझकर खाली बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इस पैगाम को सभी लोगों तक पहुंचाए, इसे शेयर जरूर करें, और हर इलाके में लोग बैठे एक ठोस एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले और सभी एक जैसा करें इस बात का अहद ले। जय हिंद।